वालेकुम। अहमद भाई क्या बोलते हैं? अरे हैंडसम लग रहे भाई। गाइस वेलकम बैक टू यारम एंटरटेनमेंट। बोल रहा कुछ नहीं है, आज तूर भूसा आ गया है फार्म पे माशाल्लाह, और तूर भूसा अभी चालू हो जाएगा इंशाल्लाह आज से बकरों को। एंड हरी पत्ती तो ऑलरेडी चालू थी, मक्का चालू था, जौ चालू हो गया माशाल्लाह, गेहूँ तो चालू ही था। एंड तो माशाल्लाह अभी फीडिंग में थोड़ा धमाल और मचेगा और वेट गेन और होगा। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि हम मिलाएंगे हमारे जो मक्का सप्लाई करते हैं, तूर सप्लाई करते हैं, उनसे मिलाएंगे मुश्ताक भाई से। अभी फिलहाल तो आदमी लोग तूर भूसा लगा रहे थप्पी, हाँ मेहनत कर रहे और माशाल्लाह एकदम रिलैक्स मोड पे है। हाँ हाँ, ओ अहमद भाई कैसा फील आ रहा भाई? एकदम नवाबी फील आ रहा भाई। हाँ, घर बैठ के ज्यादा बीमार फार्म पे आया हो, और चलो फिर से नजर लगवाते है ना, लोग तो नजर ही लगाते हैं और कुछ करते नहीं है। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें नाम दिया है, समझे? तो कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा बादशाह है। चलो माशाल्लाह आपको क्वालिटी दिखाते हैं तूर की। सो अभी आप लोडिंग चालू है, माशाल्लाह आ चुके हैं, और क्वालिटी देखो एकदम इतना एक नंबर क्वालिटी है। आप देखो इसमें कहीं पर भी कचरा नहीं है, पूरी फल्ली है, प्योर पूरी एकदम बारीक फल्ली है। सो आप देख सकते हो एकदम क्लियरली, अच्छी क्वालिटी का खिलाएंगे हम लोग बकरों को। एंड एक ट्रायल भी करेंगे आके, जब बकरे का दिखा तो कैसा खाता है, आओ बहुत निकाले ना वो बकरे को भी वही दे रहे, बकरा भी आया है तो अभी नया बकरा जो शायद है उसको भी अपन हरी पत्ती वही दी है। सो ऐसा कहने की अपनी हरी पत्ती, हमारे डबल फिल्टर हरी पत्ती आती है, हल्की कांडी रहती है, बाकी डबल फिल्टर रहते हैं, सिंगल फिल्टर नहीं रहते। माशाल्लाह देखो बकरा देखो एकदम फटाफट खाता है, सो चीज अच्छी है। बकरा ट्रैवलिंग से भी आया है तो भी माशाल्लाह बकरा अच्छा मुंह मार रहा है। एंड हल्का बीमार है हमारे मंसूर भाई का बकरा है। एंड ये भी चीज देखो, ये भी अपन सामने रहेंगे बकरे के, माशाल्लाह देखो फुल स्पीड में खाएगा। तो माशाल्लाह ये सब अपने फार्म पे है फीडिंग का। ये आपको देखेंगे तो तूर भूसा चालू हो चुका है, हरी पत्ती की क्वालिटी भी माशाल्लाह है फार्म पे, जौ की क्वालिटी भी माशाल्लाह एकदम क्लीन है, ना कीड़ा है ना कुछ है ना कोई कचरा है, एकदम क्लीन है। और मक्का तो बहुत लोगों ने देख के गए लाइव, तो माशाल्लाह एकदम एक नंबर क्वालिटी का मक्का है। और एक घोड़ा जीरा भी हम लोग चालू किए, जो बकरे हैं ऐसा जो नहीं खाते हैं उनको, उनके लिए भाई सभी के लिए नहीं है, तो ये मैं फिर मेरे को भलाई का महंगा चार्ज बढ़ाना पड़ेगा अगर मैं सबको घोड़ा चीरा चालू करूंगा तो, बिकॉज घोड़ा चीरा किलो के हिसाब से महंगा भी आता है। लेकिन हाँ, जो बकरे नहीं खा रहे, जिनका खाने का स्पीड थोड़ी कम हो गई है, सो उन लोग के लिए हम लोग घोड़ा चीरा चालू करते हैं। सो आपसे मिलाएंगे मुश्ताक भाई से, मुश्ताक भाई ना बेटर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और बिग बॉस सुनाइए। तो मुश्ताक भाई आप माशाल्लाह काफी सालों से हम जानते हैं, अशरफी से इनको जानते हैं, जब मैंने फार्म खोला तो पहले इनसे ही मुलाकात हुई, और मेरा माल फार्म पे इनका ही आना चालू हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इनका ही आ रहा है और आने वाले टाइम पे भी इनका ही आएगा। जब तक इनके रेट्स मजेदार रहेंगे तब तक भाई मजेदार रहेंगे। तो नहीं माशाल्लाह इनके रेट्स काफी अच्छे हैं, रीजनेबल है, स्पाइसी रेट रहेंगे, रीजनेबल रेट्स रहेंगे। और देखो भाई मैं तो बोलूँ, अगर मार्केट से आपको आना महंगा मिलता है और चीज अच्छी मिलती है सो आप लो, बिकॉज क्या होता है आप दो पैसा बचाने के चक्कर में जाओगे और चीज आपको अच्छी नहीं मिलेगी ना, तो फिर वो क्या होता है एट द एंड आपको बकरे में वेट गेन में रिजल्ट नहीं मिलता है। बोला अरे भाई मेरे को तो अगर यहाँ पर 20 रुपये में मिलता है भाई तो मैं तो 17 में लेता हूँ, लेकिन 17 वाली क्वालिटी में कितना मट्टी, कितनी लकड़ी, कितना क्या, तो वो चक्कर में फिर बाद में मजा नहीं आता। तो मुझे आपके हिसाब से हरी पत्ती जो आप देते हो तो इसमें दो टाइप की रहती है ना हरी पत्ती? इसमें दो तीन टाइप की रहती है, एक तो डायरेक्ट जो राजस्थान से आती है अपनी सादी पत्ती, और एक सिंगल फिल्टर आती है, एक डबल फिल्टर आती है। आपको जो सिंगल फिल्टर मसाला है कि उसमें देखो आप जरा भी मट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, इससे और अच्छी क्लियर आती है, इससे और अच्छी उसमें लकड़ी नहीं रहेगी। हाँ, लकड़ी वगैरह भी नहीं रहेगी, थोड़ा महंगा होता है, और फिर आपके लिए माशाल्लाह बहुत अच्छी पत्ती है। नहीं और सिंगल फिल्टर में मट्टी नहीं है भाई, और लकड़ी तो बकरे खाते ही है, उसमें कोई मेन मट्टी का मसला रहता है, मट्टी भी नहीं, मट्टी छानी हुई है माशाल्लाह। और जॉब क्वालिटी भी कैसा रहता है अपना? माशाल्लाह जो अच्छा एकदम मिल्क का सॉर्टेड माल बोलते हैं इसको, इसके अंदर एक लेवल का अच्छा जौ आता है, इसमें कचरा वगैरह भूसा नहीं रहेगा, घुन वगैरह पत्थर वगैरह नहीं रहेगा, और जौ का साइज देखो आप एक साइज रहेगा,
है ना। ओके टोटल जो का साइज एक रहेगा इसके अंदर में। ओके स्टैंडर्ड पैकिंग इसका 30 kg का आता है तो लोडिंग और लोडिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ा सफिशियंट रहता है, मतलब 50 kg का बैग रहता है, कभी आदमी उठा पाता है नहीं उठा पाता है, जोर से रख दिया गिर गया फट गया वो नुकसान भी नहीं होता। मतलब अपन ये जो सप्लाई करते हैं तो ये अपन एक बकरे के लिए भी करेंगे 100 बकरे के लोकली भी आप देते हैं? अपना लोकल भिवंडी में रिटेल काउंटर है। ओके वहाँ से भी सेल होता है और फार्म डिलीवरी भी होता है, कहीं अगर बॉम्बे साइड है कहीं अर्जुन है रत्नागिरी वगैरह सब जगह पे डिलीवरी होता है, कहीं अगर रहता है तो डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड रहते हैं, कहीं हम लोग डिलीवरी चार्जेस। एग्जांपल मैं माहिम में रहता हूँ और मेरे पास 2 बकरे हैं जी और मुझे चाहिए जी, सो आप भेज सकते हो? इंशाल्लाह भेज देंगे, जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज रहेगा इंक्लूड करके। गाइस आपको अगर 2 बकरे पाल रहे हो 4 बकरे भी पाल रहे हो, अगर आपको माहिम पे चाहिए, आपको बांद्रा चाहिए, बोरीवली चाहिए, विरार चाहिए, नालासोपारा चाहिए, भिवंडी चाहिए, आपको सतारा सोलापुर जहाँ पर भी चाहिए ट्रांसपोर्ट लगेगा और जो उसका किलो का भाव वो लगेगा आपके घर पे होम डिलीवरी एकदम एक नंबर क्वालिटी में रहेगा इंशाल्लाह। जो खिलाने के बाद आपको बकरे में रिजल्ट समझ में आता है, जैसे रहमान भाई आप ये मक्का देख रहे हैं इसके अंदर 2-3 क्वालिटी का मक्का आता है बराबर, तो मक्के के अंदर जो ना प्रोटीन लेवल देखा जाता है, लोग क्या करते हैं मक्के में सिर्फ मॉइस्चर देखते हैं, मॉइस्चर के बाद में उसका प्रोटीन लेवल देखा जाता है, तो वो खाने के बाद में उसका 100% मिलना चाहिए। मक्के जब मिलता है मक्का आप अच्छी चीज दोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। अरे मक्का मोहम्मद भाई ना ये इतना मोटा आते हैं, बहुत मोटे मोटे एकदम हाथी साइज के मक्के आते हैं, एकदम फैट वो मक्के में नहीं, ये माशाल्लाह एवरेज साइज है, चपटे भी उतने ही है माशाल्लाह, और मतलब अगर आप दांत से चबाओगे तो भी माशाल्लाह चबा जाएगा, मीठापन आता है, मीठापन आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को वेट गेन तो मिला है माशाल्लाह, मेरे फार्म पे ऑलमोस्ट तो बताया ना आप लोगों को रेड गेन मिला है। तो मुश्ताक भाई अपने पास फीड में क्या क्या अवेलेबल है? फीड में देखो आप मक्का है, जौ है, हरी पत्ती है, गोला जीरा है, चना है, सोयाबीन है, और कुछ चुनी वगैरह आइटम भी है, जैसा कोई चुनी का है ना गाछा वगैरह बोलो आप, चना चुनी है, पेंट वगैरह है, पेंट में कपास का पेंट आता है, सिंगदाने का पेंट आता है, सिंगदाने का जो पतला पापड़ी बोलते हैं वो आता है, एक लकड़ी की घानी का आता है, मोटा पेंट आता है वो आता है, काफ़ी सारे वैरायटीज है इसके अंदर में, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट रहती है इंशाल्लाह अपन उसको फुलफिल करते हैं। ओके है ना। अब जी ये तुअर का जो है ना ये देसी तुअर का है ना, इसमें हाइब्रिड का भी आता है, बहुत बड़ी बड़ी फली बड़ी फली का आता है, ये देसी तुअर का, तो इसका एक रिजल्ट अलग है। जैसा चना में हम लोग देते हैं, चने के अंदर छोटा चना आता है, देसी चना बोलते हैं, कोई काला चना बोलता है, कोई थोड़ा बड़ा चना आता है, हाइब्रिड आता है, तो सब चीज़ का अलग अलग रिजल्ट रहता है। ओके ओके, तो ये जो आप ये जो तुअर बोल रहे हो ये तुअर मोटी भाई हाथ में लिया तो बहुत बारीक तुअर दिख रहा है, बारीक है, इसमें वो अलग अलग ब्रीड आती है जैसा बता रहा हूँ मैं, एक हाइब्रिड आता है, नस्ल आता है इसके अंदर, ये देसी करके आता है, अच्छा एक अलग अलग फ्लेवर रहता है, अलग देसी मुर्गे का टेस्ट अलग ही रहता है, अच्छा ब्रॉयलर का अलग रहता है, तो टेस्ट भी अच्छा रहता है खाने में, खाने में अच्छा रहता है। सो ये माशाल्लाह मोहम्मद भाई यहाँ पर मैं अब तक तो जितनी भी क्वालिटी लिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक नंबर क्वालिटी है माशाल्लाह, एंड रिजल्ट भी मेरे को मिल रहा है मेरे फीड में, एंड काफ़ी अच्छा मिल रहा है। सो आप लोग को अगर ये रिक्वायरमेंट है मुश्ताक भाई का मैं स्क्रीन पर नंबर आपको दे दूंगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा आपको, और इंशाल्लाह आपको मैं अच्छे से अच्छे रेट में मिल जाएंगे, आप ARM का रेफरेंस लेके जाओगे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। सो रेफरेंस के थ्रू आप लीजिए आपको डिस्काउंट मिलेगा, और अच्छी चीज़ है, गुड क्वालिटी है, ट्रस्टेड है, कभी कभार आगे पीछे भी होता है तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि कभी कुछ हुआ है, लॉकडाउन में भी आपने काफ़ी लोगों को सप्लाई की है, काफ़ी सप्लाई हो चुका है, सो आपको एनी टाइम रिक्वायरमेंट है आप कॉल कर सकते हो, भेजिएगा आप माल मंगाओ, इतना है कि मेरे फार्म पे आता है, रिजल्ट अच्छे है, अच्छी क्वालिटी है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से मतलब मेरे को बकरे अनाज उठा रहे और हरी पत्ती माशाल्लाह अच्छे से उठा रहे, और तो आप भी प्लीज़ परचेज करिए अगर आपके बकरों को वेट गेन करना है और आपकी अच्छी क्वालिटी में आपको चाहिए, तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट करें मुश्ताक भाई को। मिलते हैं और एक अगले वीडियो में रेहान भाई के साथ में, अब रेहान भाई भी है, इनका भी नई गाड़ी, नई बंगला, नया बकरा, तो रेहान भाई भी इंशाल्लाह अगले वीडियो में कवर करेंगे, एंड उनका भी जर्नी दिखाएंगे इंशाल्लाह कि शुरू कैसा हुआ था और दुश्मनी कैसी हुई थी और दोस्ती कैसी हुई थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थोड़ा रेहान भाई के साथ में, थोड़ा मुश्ताक भाई के साथ में, थोड़ा मोहम्मद भाई के साथ में, और तुम्हारा ऑल एंड वन रहमान मिस्त्री थोड़ा स्पाइस।